बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे वितान के तीसरे पाठ की, जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख भी रहे हैं, और ये क्या है, किसके द्वारा रचित है? ओम थानवी द्वारा। अतीत, अतीत से आप समझ गए होंगे, अतीत अर्थात इतिहास। इतिहास में चुपचाप दबे पांव जाना और जाकर वहाँ क्या था, किस तरह का जीवन था, किस तरह की कला संस्कृति, इन सब के बारे में जानकर आना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओम थानवी जी का हम परिचय पढ़ेंगे। ओम थानवी का जन्म 1 अगस्त 1957 को फलौदी जोधपुर राजस्थान में हुआ। प्रमुख कृतियाँ क्या हैं इनकी? मोहनजोदड़ो, अपने अपने अज्ञेय, विविध, शमशेर सम्मान, साग सम्मान, हिंदी, केंद्र हिंदी संस्थान सम्मान। पिछले 27 वर्षों से इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता में संपादक के रूप में यह कार्यरत हैं। ओम थानवी जनसत्ता दैनिक के यशस्वी संपादक हैं। वे अच्छे लेखक भी हैं। वे साहित्यिक कृतियों का संपादन भी बहुत अच्छा करते हैं। अंततः स्तंभ में वे अच्छे वृत्तांत लिखते हैं। उनके द्वारा 2 खंडों में संपादित अपने अपने अज्ञेय इस बात का अनुपम उदाहरण है। अब आते हैं हम शीर्षक की तरफ। क्या है हमारा शीर्षक? तो देखिए, मोहन जोदड़ो, अतीत, हमारा इतिहास, हमारा सबसे गौरवान्वित इतिहास, जो हमें एक उज्जवल सभ्यता का उत्तराधिकारी बताता है कि हम एक ऐसी उन्नत, एक ऐसी सभ्य सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जो विश्व में किसी और देश को नहीं मिली। मोहनजोदड़ो, ओम थानवी, ये उनका एक यात्रा वृत्तांत है। जब वो मोहनजोदड़ो की तरफ गए, उन्होंने देखा वो सारे खंडहरों को, जब उन्होंने देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि इसके बारे में हमें कुछ, मतलब पाठकों तक पता पहुंचानी चाहिए सब चीज़ें, पाठकों को उसके बारे में अच्छे से ज्ञान कराना चाहिए। ओम थानवी की किताब मोहनजोदड़ो हमारे सामने सभ्यता और संस्कृति की कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। एक तो यही कि जिसे हम मोहनजोदड़ो कहते हैं, वह दरअसल मोहनजोदड़ो है, यानी मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज मोहनजोदड़ो से होती है। जैसे सिंधु घाटी कहते ना, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन क्या है, कहाँ है, इसका इनिशियल जो स्टेज है, मतलब जो शुरुआत हुई थी, मोहनजोदड़ो से हुई थी। इसे मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा, तो इससे मुर्दों के एक टीला बनता चला गया। इसलिए कहा गया कि ये यहाँ पर मुर्दों, मतलब लगातार एक ये सभ्यता खत्म, फिर पनपी, फिर खत्म, फिर पनपी, इस तरीके से ये चलता रहा सिलसिला। उसके बाद मोहनजोदड़ो से होती, मोहनजोदड़ो में कभी एक संपन्न नगर बसता था, उसके नीचे एक जीता जागता शहर सांस लेता था। वहाँ घर थे, कुएं थे, कुंड थे, खेत थे, कोठर थे, पथ चौराहे थे, सार्वजनिक स्नानागार थे। मतलब जो एक उन्नत सभ्यता में जो आवश्यक तत्व होते हैं, वे सभी मोहनजोदड़ो में थे। नालियाँ, कच्ची पक्की ईंटों की बनी दीवार, ये एक नगर योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ था। इस नगर में मूर्तिकार और कलाकार भी रहते थे। सिंधु घाटी का काल और समाज निर्धारण तो हमने कर लिया, लेकिन सिंधु लिपि अब तक हमारे लिए क्या है? अबूझ है। क्या? क्योंकि हर जो भाषा होती है उसकी लिपि होती है। अब लिपि में क्या लिखा गया है वो तभी पढ़ा जाएगा जब हमें उस लिपि की समझ होगी, लेकिन मोहनजोदड़ो की समझ अभी विकसित नहीं हो पाई कि क्या लिखा गया है मोहनजोदड़ो में। तो जो उन्होंने लिख के छोड़ा है उसको पढ़ा नहीं जा पाया, इसलिए वो अभी तक अबूझ बनी है।
इस छोटी सी किताब में जो केवल 118 पृष्ठों की है कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। कई विचार बिंदु लेखक ने विद्वानों के विचार विमर्श के लिए छोड़ दिए हैं। वे सिंधु सभ्यता से जुड़े रामविलास शर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल और राहुल सांकृत्यायन के निष्कर्षों की तर्क की कसौटी पर कसते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़े यायावर रहे हैं, मतलब यात्राएं करते रहे हैं। और इसके बाद लेखक अपनी यात्रा की शुरुआत कराची से करते हुए दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता के खंडहरों के बारे में कई विचार करता है। आखिर वे वहाँ जा ही क्यों रहा है? अतीत की उस साम्यवादी सभ्यता जहाँ सब बराबर थे, वह हथियारों को नहीं औजारों की सभ्यता थी। हथियार क्या है बेटा? देखो, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति क्या है? जो किसी ऐसी चीज़ की खोज जो मानव के विकास में सहायक हो, मानव को प्रगति की ओर ले जाए, और जो खोज मानव संस्कृति पर संकट हो, उसकी सभ्यता पर एक संकट उत्पन्न करे, वो उसकी खोज करने वाला मनुष्य संस्कृत नहीं कहला सकता। जैसे हथियारों की खोज करने वाला या बम की खोज आविष्कार करने वाला व्यक्ति संस्कृत नहीं कहलाएगा। हाँ, सुई की खोज करने वाला व्यक्ति संस्कृत कहला लेता है, कहला सकता है, लेकिन एक एटम बम, परमाणु बम का आविष्कार करने वाला व्यक्ति संस्कृत नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने जो चीज़ का आविष्कार किया है वो मानव सभ्यता के लिए घातक है, उसका विनाश कर सकती है। यहाँ वही वो कहते हैं कि वहाँ औजार मिले हैं, औजारों से अपनी सभ्यता को उन्नत किया जा सकता है, हथियार नहीं मिले, हथियार ना के बराबर हैं। औजार, हर इंसान अपने हुनर को तराशने में विश्वास रखता था, ना कि साम्राज्यवाद की तरह दूसरों पर शासन करने में। सिंध का वह इलाका जहाँ रात में जाना किसी खतरे से खाली ना था, वहीं लेखक रात में बस से अपने साथियों के साथ प्रस्थान करता है, उस इलाके में जाता है, वहाँ की हर एक बारीकी को जानना और समझना चाहता है। अगली क्लास में हम इसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चे? तो आज यहीं तक।